अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। तो कुर्बानी का क्या सीन है गाइस? आप लोगों ने जो है कुर्बानी के जानवर लिए हैं कि नहीं? और हम लोगों ने यार अभी तक नहीं लिया क्योंकि अब्बू के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो आज हम जाएंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और उसके अलावा मेरे कज़न्स आने हैं तो मुझे बिरयानी भी बनानी है, बहुत सारे काम हैं तो साथ साथ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो जी फाइनली चले कुछ तो आया। मेरा ईद का ड्रेस नहीं, मेरा ईद का ड्रेस जो है वो कुरियर इश्यूज की वजह से मुझे नहीं मिल पाया। बट ये जो है ऑप्शन में मैंने शुक्र अल्लाह का सिलेक्ट किया था तो वो आ गया। चले अब रख लेते और आप लोगों को ये जो है मैं कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तभी मैं बना ली बिरयानी। तो आज का ये सीन है कि पहले हम जाने वाले थे क्योंकि बकरा लेने अबू गए हुए हैं, बकरी नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ मेरी बहनों की बातें थी उस वजह से। तो वह अभी मैंने सोचा चलो बिरयानी बना लेते और उसके बाद जो भी सीन है आपके साथ दिखाएंगे। अब सबसे पहले बनाते हैं बिरयानी। जी रीमा जी, क्या कर रही हैं आप? मैं बिरयानी बना रही हूँ जी। और आप थोड़ा लेट आई, ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। नमाज पढ़ रही थी मैं, आपको पता है। अमना की तरह मैंने इतनी ज़्यादा टेस्टी तो नहीं बनाई, मैंने वो बनाई है पर मैंने भी आप ही से सीखा है आप लोगों से। हाँ, मैं एक्चुअली एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं जल्दी में बना लूँगी। तो हमारे साथ रामीन भी हैं आज। रामीन आज जो है हम चांद रात साथ इसके हमें तो नहीं आती मेहंदी लगानी फिर कर लेंगे। मम्मा ने मुझे बोला है मैं तुम्हें लगाऊंगा। चलो ठीक है, मम्मा को आती है, मम्मा से लगवा दी। सही है, फिर मम्मा जैसी तो फिर मुझे भी आती है सही है। एक हाथ में मम्मा लगाएगी एक पे में आमना। जब तक मैं बिरयानी बना रही हूँ आप लोगों के साथ, जब ऐसा करो जाओ मेरा रूम डेकोरेट करो। गर्मी है बहुत यार, मैं भी तो यहाँ पे मैंने रख दिए चावल बॉयल होना। इसमें मैंने मसाले डाले थे वो तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की थी कि इसमें क्या डालती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अबू की चाय, शाम की चाय। एक्चुअली अबू थोड़ा लेट आए थे, अबू देखने गए थे बकरे शकरे, तो इसीलिए मैं अबू के लिए चाय बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे चावल बॉयल। गाइस ये देखिए राफे, नहीं रुके गाइस ये देखिए राफे डांस करेगा, शुरू से शुरू कर राफे। हां रेडी, माय नेम इज लखन, मेरा नेम इज लखन, ए ये हमारी चांदक पार्टी। वाओ राफे, वाओ वाओ वाओ। और राफे के लिए तालियां, तालियां राफे के लिए। हेलो, तो ये देखिए बस हमारा हो गया है। फाइनली बस लगा दिया दम पे, बन चुकी हमारी बिरयानी। और अब जाके मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। क्या हो रहा है मेरे रूम में? ये क्या हो रहा है मेरे रूम में? हाँ, चांद रात में चील उड़ाने वाली चीज है। अच्छा, आप लोगों की भैंस उड़ती है? राफे राफे आपकी चाची हैं, देख रही होंगी। फिर रामीन की चाची आपकी चाची चाची। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, खेलो खेलो, मैं अपनी चाय पीकर आती हूँ। बाय बाय, और 2 मिनट में मेरा रूम खाली करो, मुझे डेकोरेशन करनी है। फिर मैं भी आऊंगी, आप करवाना मुझसे। ओके चलो खेलो। देखिए गाइस मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ, ये सारे मेरे बालों से यूं पानी पानी निकल रहा है। ये हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन, डेकोरेशन क्या बट स्लाइड लगा रही ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे रूम एंड स्पेशल लगे। टिन 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 हो गया ये पूरा सेट। ये देखिए गाइस हमारी बन चुकी है बिरयानी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम खोलें बाद में देखते हैं। गाइस खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बाकी हम देखेंगे किस तरह से कैसी बनी है। और ये जो मैंने फटाफट में आधे घंटे के अंदर बनाई है। अम्मी आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बाकी फिर देखेंगे। हनी सिम सोयम सो ये देख रही बन चुकी है। एंड अब मेरी बारी में ट्राई करके देखती हूँ।
और यहाँ पे सारी खिंच फैलाई थी मैंने अपना जो है वॉर्डरोब क्लीन कर रही थी। मैं बताऊँगी किस तरह से बनी है, बाकी सब खा चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ना आपको कैसी लगी? बहुत 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 ही टेस्टी। इसे जो अमना ने बनाई थी इसके कंपैरिजन में इतनी टेस्टी नहीं है, बट फिर भी अच्छी बनी है। ये चाह रही था कि अंदर में बनाऊं, पर वेल अब बताओ। हाँ बहुत यम्मी बनी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ। और जिस तरीके से अमना ने की थी वो रेसिपी मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी वो बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी बहुत, और मैंने इतना खाया था कि मुझे मतलब रात को फुल मेरा पेट भरा होता, नींद नहीं आ रही थी मुझे, इतना खा चुकी थी मैं। चलो खाते हैं और उसके बाद मुझे जाना है मेहंदी लगवाने, हम सब जाएंगे मेहंदी लगवाने। फिर बता दूँ कहाँ जा रहे, कज़न के पास जा रहे हैं या फिर कहीं आसपास, तो चांद रहते थे थोड़ा बहुत स्पेशल बनाएंगे। तो जी अभी हम रेडी, और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। और फिर हम लोग भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, चलते हैं फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो जैसे कि इनका ऑलमोस्ट रेडी, अब तक रेडी हो रहा है जो रेडी हुआ नहीं है, एंड ये जो है मैं फुल रेडी होकर खड़ी हुई हूँ, बस अबू आए तो जाएं। मेहंदी जो है मैंने ये ली है, यूज़ करूँ फिर आप लोग को बताऊँगी कि किस तरह से। वेल अब आप लोग को तो नेक्स्ट ईद पे ये काम आएगी अगर अच्छी है तो, अदरवाइज़ जो है अच्छी नहीं तो मत लीजिएगा, कोई और ले लीजिएगा। तो जी हम आ चुके हैं अपनी कज़न के घर, और जो है हमारी मेहंदी यहीं लगेगी, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और जैसे मैं मेहंदी लगवाती हूँ आई ट्रस्ट और 110%, इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया इस बार और मैं यहीं आ गई। और यहाँ पर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं दही पकोड़े, एंड यहाँ पे लग रही है मेरी मेहंदी। और जिस तरह से मैंने डिज़ाइन चाहिए थी, मैं चाह रही थी यार मेरा भरा भरा सा हो, क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत सिंपल है, तो इसीलिए मुझे मेहंदी ना बहुत ज़्यादा भरी भरी सी चाहिए। और बाकी जो भी होगा वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। दिखाओ अमना, ये देखो यहाँ दिखाएं, यहाँ करें। वाओ अमना की बहुत प्यारी लगी है, एंड मेरी भी। ये देखें गाइस अमना की मेहंदी लग चुकी है, अमना दिखाएं थोड़ा सा वो इंट्रो करा ऊपर करें फेस की तरफ। वाओ जबरदस्त, अब आप मेरी भी दिखाएं बाकी। कैसी लगी अमना आपकी? बहुत प्यारी लगी है। मैंने नजफ को बोला कि मुझे ज़्यादा लगाना यहाँ तक, ताकि जो है ना मेरा ड्रेस बिल्कुल सिंपल है, इस हिसाब से तक मेहंदी हैवी हो और ज्वेलरी वगैरह भी मैं हैवी पहनूँ। ओके अब दूसरी लगे बाद में वो दिखाती कि मैंने कौन सी लगवाई। ठीक है मैं ठीक है, ये इसके दूसरे हाथ में लग रही है, बाद में हम डिज़ाइन भी दिखाते हैं कौन सी कितनी प्यारी लगी। बेचारी की फैल गई है, वो उदास है, मेरे से ज्यादा तो नहीं फैली है। इधर देखें टी टाइम, ये देखें स्टेलिसी की लग रही है। हाँ ये बताना जरूरी था ना, ये मेंशन करना आपको जरूरी था? जरूरी था, स्टेलिसी की लग रही है, क्या मतलब मेरी वजह से आप लोग आए हो। हाँ चांद इनकी भी देखिए लगे ना चांद राते, माशाल्लाह। एंड अबे सबीना की बारी, दिख नहीं रही यहाँ से, देखते हैं। और आपने कौन सी डिजाइन चूज की? डिजाइन दिखाएं सबीना हमें, डिजाइन दिखाएं दिखाएं। आपने मुझे कॉपी किया है? कोई नहीं, मेरी बिल्कुल चाहिए मेहंदी लगाते लगाते हमें 3 घंटे हो गए थे, और रात के प्रोबेबली 3:30 बज रहे थे, तो हमें भूख लगी, तो इसीलिए मेरे कज़न ने कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया, तो ये हो गई हमारी पूरी चांद रात पार्टी। एंड थैंक्स टू नजफ जिसने हमें इतनी देर तक मेहंदी लगाई यार, मतलब जो लगवा रहे हैं वो थक गए हैं, तो जो लगा रही है वो कितना थक गई होगी। आ गए जी, तो गाइस जैसे कि हम आ चुके हैं और मेरी दोनों हाथों पे मेहंदी भी लग चुकी है, ये देखें ये बहुत ही प्यारी लग रही है। और आमना मैंने भी लगवाई है, आमना के एक हाथ पे लगी है, बस ये अफसोस।
यार एक्चुअली अभी हो रहे हैं रात के 4, आई मीन सुबह के 4, तो हम इस वक्त घर आए हैं, इसीलिए बस अब लेने आ गए, हम जल्दी में आ गए। चलो शुक्र अल्लाह का मेरा तो लग गया। जन्नती है मेरी, जन्नती ही मेरी हांडू बहने। सो गाइस अब नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं सो ही जाऊँगी और फिर मिलूँगी आप लोगों से कल। बाय बाय।